अस्सलाम वालेकुम गाइस, सत श्री अकाल जनाब, तो गुड मॉर्निंग। हमारे गरीबों के व्लॉग पे जनाब एक नया व्लॉग आज आपके सामने लेके हाजिर हुआ जाता हूँ, और आप जनाब इस व्लॉग को एंजॉय करेंगे, क्योंकि आज हमारा जो सफर है वो है खुरेज से लेके दो आदमी तक। दो आदमी क्या है, खुरेज भी एक सिटी है सऊदीया का, और उसके बाद जनाब दो आदमी भी जो है ना वो भी सिटी है, लेकिन हमने सिटी में नहीं जाना, हमने जाना है एक गांव में, क्योंकि वहां पे गांव के अंदर हमारा काम शाम चल रहा है, तो हमने वहां पहुंचना है जी। ऑर्डर हुए हैं कि जी वहां पहुंचे और वहां पे जाके अपना काम शाम देखें क्या हो रहा है जी, क्या चल रहा है। तो जनाब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश ये है कि जनाब आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना यार, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें भाई, आप लोगों के सब्सक्रिप्शन की बहुत जरूरत है। और व्यूज जो है ना वो तो हमारे यार बहुत ही कम आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कम आ रहे हैं, हमारी इतनी ऑडियंस है, इतने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, फिर भी हमारे जनाब व्यूज जो है ना वो बहुत कम आ रहे हैं। लेकिन खैर आप लोगों से रिक्वेस्ट ही हम कर सकते हैं, गिले शिकवे जो है ना वो भी अपनों से ही होते हैं, शिकवे मैं कह रहा था, तो गिले शिकवे जो है ना वो भी अपनों से ही होते हैं। तो जनाब आप हमारी फैमिली हैं, यूट्यूब फैमिली हैं, तो हमने जनाब आपसे गिले शिकवे नहीं करने, तो किससे करने हैं गिले शिकवे, ठीक है जी। तो बाकी जनाब अभी इस टाइम जो है ना मैं निकल रहा हूँ, तो रास्ते में जहाँ जहाँ रुकेंगे जो जो करेंगे वो जनाब आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है, पाँच घंटे का सफ़र है यहाँ से परेज से, तो हमने हौली हौली जाना है, सुकून से जाना है, हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जल्दी जो है ना जल्दबाजी जो है ना वो शैतान का काम होता है, हमने रोड लिमिट की स्पीड को फॉलो करते हुए जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह यानी सफ़र से निकलने से पहले जनाब मैंने गाड़ी शाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह चेक कर ली थी, उसका ऑयल शायल भी चेक कर लिया था, उसके टायर शायर भी अल्हम्दुलिल्लाह यानी हवाएं शवाएं सारा कुछ चेक करके रेडी करके, पैकिंग शैकिंग करके सारा कुछ कर करा के गाड़ी के अंदर सूटे बैग, और बैग शैग सूट सट के जनाब ना पानी की बोतलें भी साथ ले ली, और क्योंकि यहाँ पर घंटे डेढ़ का जो दो सफ़र है ना वो भी डेजर्ट ही है, उसके बाद जाके कहीं रियाज सिटी आना है, उसके बाद जाके फिर आगे हमने और भी आगे जाना है, तो जो भी एक्टिविटी होती है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है और व्लॉग का जनाब दामन नहीं छोड़ना, ठीक है, बड़ी मेहरबानी जनाब। आपके भाई ने जनाब नाश्ता वाश्ता कोई नहीं किया, क्योंकि निकलते निकलते जनाब हो गया लेट, और यहाँ पे तो आपको पता है कि जहाँ में हम रहते हैं वहाँ पे एक टाइम लिमिट होती है मैस की भी, तो उसके बाद वो हो जाता है बंद, उसके बाद जनाब आपको कोई शय नहीं मिलती, क्योंकि मुझे थोड़ी सी लेट हो गई, तो मैं उस हिसाब से पैकिंग वैकिंग करके तो निकलने लगा था, तो देखा तो जनाब टाइम शाइम सब कुछ ओवर, अब रास्ते में से कोई बकाला शिकाला या पेट्रोल पंप आएगा तो वहां से हम कुछ लेंगे खाने पीने के लिए, ज़रूरी है ना। हाय हाय यार, यहाँ पे रुकने को दिल कर रहा है, लेकिन मैं वही सोच रहा हूँ कि यहाँ पे खाने की कोई चीज़ मिलती है तो यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक KFC भी है, तो वहाँ जाते हैं और वहाँ से जनाब को खाने जाने का देखते हैं, बर्गर किंच भी है वैसे तो यहाँ पे, तो वहाँ से देखते हैं कि बर्गर शर्गर। सस्को का पेट्रोल पंप है यार, गुड साथ वाला। यहाँ पे मैं रुका हूँ, यहाँ पे बुफिया है, बुफिया में जनाब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे देखे उधर बोतलें पानी की होती हैं, उधर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उधर सारे जूसेस वगैरह होते हैं, ठीक है, और इधर हमारा शर्मा, जो मैंने शर्मा नहीं वैसे ही वो थोड़ा सा ये जो होता है ना क्या उसको बोलते हैं यार, वो ले रहा हूँ, तो यहाँ से चाय शाय लेते हैं, और यानी वो सैंडविच होता है ना, तो सैंडविच लेता हूँ, चाय शाय लेता हूँ, पानी शानी अपना गाड़ी में पड़ा हुआ है, तो यहाँ से लेके उसके बाद फिर निकलते हैं। पेट्रोल शेट्रोल अल्हम्दुलिल्लाह भी पूरा है, रियाद से बाहर निकल के मेरा प्रोग्राम है कि पेट्रोल, ठीक है, शर्मा भी हमारा जो सैंडविच है वो तैयार हो गया। Approximately 10 hours later, मशीन लगी हुई है, चीज़ें काफ़ी पड़ी हैं अंदर से आप नज़र आ रही हैं। अच्छा गाइस, जैसे पहले मैंने आपको बताया ये बुफिया, यहाँ से हमने चाय शाय और सैंडविच भी ले लिया है, अब सैंडविच की जगह बनानी है हमने यहाँ पे, तो गाड़ी में बैठते हैं,
तो सैंडविच जनाब सी है, सैंडविच हमने ले लिया, उसके अंदर उन्होंने ना सलाद नहीं डाला था, तो मुझे अलहदा से उन्होंने सलाद दे दिया। यार यहाँ पे कितने अच्छे लोग हैं यार, माशाल्लाह। मैं उसको बोला, मैंने कहा सलाद वगैरह डाला है, कहता बस थोड़ा सा डाला है, तो उसने साथ में ना अभी मुझे ये दे दिया पैक करके, कहता ये वैसे खा लो आप थोड़ा सा, इसके अंदर अब देखते हैं क्या है। ये देखें गाइस, इसके अंदर खीरा है और साथ में चकंदर, तो ये उन्होंने साथ में थोड़ा सा दे दिया कि वैसे ही खाइए। तो साथ में मैंने काली चाय ले ली है विदाउट शुगर, ठीक है, क्योंकि शुगर आपको पता है कि आई डोंट लाइक। तो बाकी ये है कि यहाँ पे मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई विदाउट शुगर ही चाहिए बस, कावा काली चाय इसको ना, काली चाय इसको, और क्या बोलते हैं, और भी कोई लैंग्वेज है इसकी, वो भी बोलते हैं यहाँ पे, सादा चाय भी बोलते हैं इसको, सादा चाय भी बोलते हैं, ठीक है। यार ये सैंडविच है, अब इसके अंदर मैंने उसको बोला था केचप डालने के लिए, अब उन्होंने डाली है लेकिन बहुत ही कम, यानी बिल्कुल ही ना मिर्ची विर्ची कोई नहीं है, बिल्कुल सादा सा सैंडविच है ये, ठीक है। तो उनको बोलना पड़ता है भाई सादा चाहिए, उसके अंदर मिर्ची चाहिए, छत्ता चाहिए, या वो जो केचप है वो चाहिए कि नहीं। तो मैंने केचप का बोला था, मैंने कहा छत्ता नहीं चाहिए, माफ़ी छत्ता केचप बस चाहिए, तो वो केचप भी डाली उन्होंने, नीचे ही होगी थोड़ी सी, लेकिन मिर्ची विर्ची बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। और जो बाकी खाते हैं, जाहिर सी बात है नाश्ता सुबह से कोई नहीं किया हुआ था, तो मैंने कहा भाई नाश्ता ज़रूरी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया। पहले मेरा प्लान बना वहाँ पर बर्गर किंज खाने का, लेकिन वो चूंकि फिर हैवी हो जाना था, मेरा प्लान है वहाँ रियाद से आगे निकल के ना वहाँ पे अलबेक आता है, तो अलबेक का प्लान है मेरा कि वहाँ पे जाके ना अलबेक खाऊं, ठीक है, इंजॉय करके अलबेक बंदा खाए। तो वो रियाद से निकल के आगे है, वहाँ से इंशाल्लाह मैंने कोशिश करनी है अलबेक खाने की, तो इसलिए मैंने सिर्फ सैंडविच ले लिया। इस वक्त जो है ना रियाज क्रॉस कर रहा हूँ मैं, तो मक्का रोड पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं चढ़ गया हूँ, और यहाँ से जनाब हमने जाना है सीधा लतूर, यहाँ से भी 2 से 3 घंटे और लग ही जाने हैं। और ये है जनाब रियाद मक्का रोड, जहाँ पे अभी मैं जनाब जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि रियाद से निकलते निकलते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, रियाज की ट्रैफिक ओए होए होए, आपकी सोच होनी है इतनी ट्रैफिक, तो वाह बंदा फुल तवज्जो के साथ ड्राइव करता है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती बम्पर टू बम्पर। अभी हालांकि 10:30 बजे का टाइम था, लेकिन यार अखीर ही हो गई है, ओए होए होए। यहाँ पे जनाब मैंने रुकना है, क्योंकि यहाँ से मैंने लेना है पेट्रोल, और ये है ऑरेंज का बहुत ही बड़ा पेट्रोल पंप रियाद से निकल के आगे। तो रास्ते में मुझे अलबेक, खैर एक वहाँ पे मैंने जाना था लेकिन गलत हो गया, लोकेशन गलत हो गई, इस वजह से मैं जा नहीं सका। 91 फुल, ठीक है, 91 फुल जनाब, हमने यहाँ से पेट्रोल लेना है और उसके बाद यहाँ से फिर हमने निकलना आगे, ठीक है ना। का जनाब हमारी तरफ देख रहा, यहाँ से पेट्रोल फिल हो रहा है 91, 95, यहाँ से फुल लेके उसके बाद निकलेंगे आगे। पेट्रोल शेट्रोल हमने ले लिया है, यहाँ से फुल करवा लिया टैंकी, क्योंकि आगे भाई कोई पता नहीं है, डेजर्ट में हमने जाना है और वहाँ पे दूर दूर तक पेट्रोल पंप जो है ना वो नहीं है, और अगर हो भी सही तो वहाँ पेट्रोल नहीं मिलता, तो इस वजह से मैं यहाँ से फुल करवा रहा हूँ, बल्कि फुल करवा लिया है, अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे आगे इंशाल्लाह। और फतूरा जनाब आ चुका है, इसके ऊपर अब हम किलोमीटर वगैरह लिख लेते हैं, हो सकता है जनाब हमें मिल जाए पेमेंट, मिल गई तो मेहरबानी है बॉस की, नहीं मिली तो अब भी मेहरबानी है, क्या कह सकते, लड़ाई झगड़ा तो हमारा कोई है नहीं, ठीक है। तो अब हम जनाब यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद आगे कोई देखना है कि पाकिस्तानी होटल अब मिल जाए। यार एक्चुअली हुआ मेरे साथ ये है कि मैं अलबेग की लोकेशन लगाई थोड़ी 2-3 मिनट की दूरी पे, तो वो जनाब हमें खैर से नसीब नहीं हुआ,
अब यहाँ से आगे हमने कोई चीज़ देखनी है, अगर कोई समझ में आएगी तो वो जनाब हम खाएंगे, नहीं तो फिर चलते जाएंगे, क्या करेंगे। यहाँ पे वैसे है तो सही ये बर्गर शर्गर और ब्रोस्ट वगैरह, तो वही मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, या बर्गर केंज से बर्गर ही कोई ले लेते हैं, सीधी सिंपल खलास, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ से कोई पता नहीं है क्या कुछ मिले क्या नहीं, तो ये है जनाब बर्गर केंज सामने, यहाँ से ये लेते हैं। यहाँ पे मैं रुका हूँ बर्गर केंज पे, बर्गर केंज का ऑर्डर हमने दे दिया और अभी जो है वो 2-3 मिनट में रेडी होके हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो वो लेते हैं क्योंकि भूख लगी हुई थी, अब एक तो हमारा रह गया, तो मुझे यही समझ आई, मैंने कहा चलो यहाँ से यही ले लेता हूँ, तो रास्ते में फिर आगे इंशाल्लाह फिर शाम को देखेंगे वहाँ पहुँच के, ठीक है। उनके वॉशरूम में जाना है तो जनाब आपको ये वाला जो बार कोड ऊपर बना हुआ ना, ये यहाँ पे स्कैन करना पड़ेगा, ये देखें यहाँ पे स्कैन करेंगे और स्कैन करके ये ओपन हो जाएगा, फिर आप जा सकते हैं, वरना आप वॉशरूम में नहीं जा सकते। न्यू सिस्टम हमारा जनाब फूड आ चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह फूड आ चुका है, और अब हम जाएंगे जनाब गाड़ी में, गाड़ी बाहर खड़ी है, गाड़ी में जाना है और रास्ते में आराम सुकून से खाते जाएंगे, इधर बैठ के टाइम ज़ाया नहीं करना। यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी में रखते हैं और गाड़ी में बैठ के ही खाते हैं। वैसे तो मेरा मूड बन गया था यहाँ पे बैठ के खाने का, लेकिन बाद में फिर मैंने सोचा यार आहिस्ता आहिस्ता जो है ना निकलता जाता हूँ और फिर इंशाल्लाह, क्योंकि अभी सफ़र काफ़ी सारा पड़ा हुआ तो सफ़र भी करना है, तो इसलिए साथ साथ खाते जाएंगे और साथ साथ सफ़र होता जाएगा। कैमरों से बचना पड़ता है क्योंकि अगर खाते हुए कैमरा पकड़ लेना तो फिर जाहिर सी बात है फ़ाइन आ जाता है। पेट्रोल पंप आपको दिखा देता हूँ पीछे, सारा बहुत बड़ा माशाल्लाह पेट्रोल पंप है ऑरेंज का, रियाद से बाहर निकल के मक्का रोड पर काफ़ी शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं और यहाँ पर ही बर्गर केंज है जहाँ से मैंने बर्गर लिया, अच्छी डील मिल गई है 26 रियाल में, देखते हैं क्या क्या है उसके अंदर।